हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। ज्योति ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। ये देखो मैंने क्या लिया है, ये आप लोगों को घर चलकर पता चलेगा। अभी मैं ऑफिस से निकली हूँ, मेट्रो के लिए जा रही हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मैं चेकिंग कराने के लिए जा रही हूँ, चेकिंग हो गई। अब मैं जा रही हूँ मेट्रो के ऊपर। फ्रेंड्स, सीढ़ी चढ़ 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 के मेरी ना सांस ऊपर नीचे होने लगी है। हाँ, मेट्रो चली गई, दूसरी मेट्रो आने वाली है 2 मिनट के बाद। 2 मिनट अब हम वेट करते हैं यहाँ पे। मेट्रो हमारी आ गई। ये देखो मेट्रो कितनी भरी हुई है। बस मैं ये दिखा रही थी कितनी भीड़ है मेट्रो मेट्रो के भी ना, जिंदगी अधूरी है दिल्ली वालों। सो फ्रेंड्स, मैं अपने घर के नीचे आ गई हूँ, आई मीन घर के गली में आ गई हूँ। और देखो मैंने क्या क्या लिया है। रोज लिया है, पेन लिया है और चॉकलेट लिया है। अब आप लोग समझ ही गए होंगे अभी तक कि मैंने ये सब क्यों लिया है और किस लिए लिया है, मैंने किसके लिए लिया है। तो नहीं भी समझे होंगे जो लोग, उनके लिए थोड़ा सा और इंतज़ार करो। बस पहुंच चुकी हूँ घर के नीचे। बस पहुंच चुकी हूँ, बस 2 मिनट और फिर आप लोग पता चल जाएगा क्या है क्यों है। आप मेरे सबसे अच्छे टीचर हो। तो पता नहीं क्या, नहीं पता मैं भी टीचर हूँ। सबसे अच्छे टीचर हो आप, मुझे हमेशा मोटिवेट करते हो, मुझे हमेशा मतलब मुझे सपना दिखाते हो और मतलब मुझे हमेशा मोटिवेट करते हो। और मैं जो भी आज सोचती हूँ, जो भी सपना देखती हूँ, मैं आपकी वजह से हूँ। बस इसलिए मुझे लगा कि आजकल मैं जो भी बातें बताता हूँ खाली हवा में ऐसे उड़ा देती हूँ, अब मेरी नहीं है तो मुझे समझ में आता है। कुछ बहुत कुछ समझ में आता है। आपसे बढ़िया टीचर मेरी लाइफ में। मुझे शर्म आ रही है। एक्चुअली मैं क्या है ना कि मैं आज तक इनके फेस पे कभी तारीफ नहीं करा है मैंने। ये हमेशा बोलते हैं कि अगर यही चीज़ अगर कोई और करता तो मुझको मतलब उसकी तारीफ करती, लेकिन तो मेरी कभी तारीफ नहीं करती। लेकिन एक्चुअल में मैं इनके पीठ पीछे बहुत तारीफ़ करती हूँ, मैं हर किसी से तारीफ़ करती हूँ। मैं आज बोलना चाहती हूँ आपके सामने कि सच में आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप मुझे हर कदम पे, एक बच्चे से छोटा सा बच्चा होता है, लोग उसको ABCD से स्टार्ट करते हैं, उसी तरीके से आप मुझे सिखाते हैं हर एक चीज़, पर्सनल प्रोफेशनल हर एक चीज़ समझाते हैं। चाहे कुछ भी हो, बाहर हो, घर पर हो, मतलब एक अच्छे एक फ्रेंड की तरह समझाते हैं, एक अच्छे टीचर की तरह समझाते हैं, एक माँ बहन हर किसी का आप किरदार मेरी लाइफ में निभाते हैं। तो मतलब मैंने लाइफ में मैंने बहुत कुछ मतलब हुआ है, जो भी हुआ है मतलब वो सब चीज़ें बात की बात है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मैं डिमोटिवेट हो गई थी कि अपनी लाइफ को लेकर के, अपने सपनों को लेकर के, शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, शायद यहीं पर इनफ है इतनी लाइफ है। लेकिन इन्होंने मुझे मेरे मतलब दिल में मतलब वो फिर से जगाया कि हाँ वो चीज़ हो सकता है। इन्होंने फिर से सपना दिखाया कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तो चीज़ों को मैं फिर से उस चीज़ें देखने लगी हूँ। पता नहीं ऊपर वाला पूरा करता या नहीं करता, करा हमारे हाथ में, हमें करना चाहिए, बाकी होना ना होना वो तो भगवान की देन है। इट्स माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। सच में जो तुम, मुझे नहीं लगता था कि तुम सीरियस भी हो।
बेशक हम दोनों साथ में हैं, एक दूसरे की चीज़ों को समझते हैं, बताते हैं, बहुत कुछ बताते हैं क्या सही है क्या गलत है, बहुत कुछ सीखता हूँ, बहुत कुछ सिखाता भी हूँ जो चीज़ें लगता है। बट मुझे लगता है ना दूसरी हर बात को वो लाइटली लेती है, इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है। बट आज तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया टीचर्स डे पे, मुझे चॉकलेट और उसको गिफ्ट करके कि आप टीचर हो, मेरी टीचर हो, ये है वो है। मुझे लगता था मैं कभी कभी वो हो जाता था कि मैं कुछ भी नहीं कहूँगा कुछ चीज़ें जो थी, तो लगता है सच ही मजाक में लेती है। रियली सच में ज्योति के अंदर बहुत सारा चीज़ों को लेके जो सपने हैं जो चीज़ें हैं वो काफ़ी, इसमें कोई शक नहीं, बहुत स्ट्रगल कर गर्ल है, बहुत मेहनत करती है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे लगता है कि कभी कभी सपने ये जितना मेहनत ज्योति करती है बस लेजी भी है उसे सुबह सुबह, और बाकी तो वास्तव में बहुत मेहनत करती है। मुझे लगता है कि ये इतना स्ट्रगल करती है धूप में घूम ना, वर्क प्लेस पे घर पे इतनी सारी चीज़ें करती है, जो कुछ भी नहीं करना होता है सारा काम घर पे भी ऑफिस का भी यहाँ पे भी हर जगह मैनेज करके रखती है। इसके लिए सच में थैंक गॉड मुझे ज्योति मिली है, शक नहीं है। मैं मुझे लगता है कि सच में आज के टाइम पे लोग वर्किंग में हैं तो उनका एटीट्यूड अलग लेवल का होता है हर चीज़ को लेकर, ज्योति के अंदर। थैंक यू सो मच। और अगर एटीट्यूड अगर ईगो रिलेशन में आ जाएगा तो फिर वो रिलेशन ज़्यादा दिन नहीं चल सकती है। मैं हर कपल से यही बोलना चाहती हूँ कि कभी भी अपने रिलेशन में एटीट्यूड ईगो नहीं लाना चाहिए, क्योंकि हम एक हैं। सेकेंड थिंग ये मैं और ये भी बोलना चाहती हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि हस्बैंड कैसे टीचर बन सकता है ये वो, टीचर्स डे पे तो ओनली टीचर्स मतलब जो पढ़ाते हैं वो उन्हीं वही टीचर होते हैं, बट ऐसा नहीं है। टीचर्स डे का मतलब ये होता है हम जिससे सीखते हैं लर्निंग, मतलब हम एक बच्चे से भी सीखते हैं, एक मतलब जानवर से भी सीखते हैं, मतलब सीखना ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। हम जिससे सीखते हैं, जिससे हम इंस्पायर होते हैं, समझो वही हमारा टीचर है। ठीक है, या घर का हो या बाहर का हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, बहन हो, भाई कोई भी एनीवन। तो टीचर्स डे मतलब है कि सीखना, जिससे आप सीखते हैं तो वही सबसे बड़ी, वही आपका मेन टीचर है। इस टाइम पे क्या कुछ टाइम से ये मेरे टीचर बने हैं, मतलब बहुत, मतलब शायद 7-8 साल के बाद जो मतलब मुझे चाहिए था, जो मतलब मैं जो बनना चाहती थी, मतलब चीज़ें जो थी सब कुछ ख़त्म हो गई थी, इनफ हो गई थी। बट हाँ, इन्होंने मुझे फिर से वो मोटिवेट करा, मुझे इन्होंने एक स्ट्रेंथ दी कि नहीं आई डू इट। तो बस दैट्स इट, यही बोलना चाहती हूँ। बस थोड़ा सा मैं इमोशनल भी हो गई हूँ बस उसके बाद अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी आप लोगों से। अरे चॉकलेट खा रहे हैं ये इसे भी खाओ, खाओ। नहीं इसे भी खाओ। और इनकी यहाँ थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, सर में दर्द है। आई होप कि सर का दर्द ठीक हो गया होगा, पक्का ही बोलोगे कि अब सर का दर्द ठीक हो गया है ना। मैं काफ़ी पता था मुझे पक्का यही बोलोगे आप। चलो जाओ रेस्ट करो, आराम करो। और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज और है, ये सरप्राइज है कि सोनी आ गई है। मैंने बोला था कि आप लोगों से कि सोनी, मतलब मैं प्रॉमिस नहीं करूँगी, लेकिन हाँ जब सोनी आ जाएगी तब दिखाऊंगी। तो सोनी आ गई, हाय गर्ल सोनी। तो मैंने बोला था कि मैंने फर्स्ट टाइम उस टाइम मैंने प्रॉमिस के सोनी आ नहीं पाई थी, इस बार मैंने प्रॉमिस नहीं करा, और प्रॉमिस ना करने के बाद ये री सोनी हमारे सामने है ना। सोनी कैसा लग रहा है? चलो बाय, गुड नाइट कर लो, बाय गुड नाइट फ्रेंड्स। आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द। आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। बाय।